आज हम सर्दियों में खाए जाने वाले लड्डू खजूर के लड्डू बनाएंगे। यह बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें ना शक्कर डलती है, ना ही मावा, ना ही गुड़। बिना शक्कर, मावे और गुड़ के ये लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमने यह आधा किलो खजूर लिया है। इसकी सारी गुठलियाँ हमने निकाल दी है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेंगे। खजूर को हमने दरदरा पीस लिया है। अब हमने आधा बाउल बादाम लिया है, बादाम को हमने क्रश कर लिया है। आधा बाउल हमने काजू लिए हैं, काजू को भी हमने क्रश कर लिया है। यह दो चम्मच हमने मेलन सीड्स लिए हैं, दो चम्मच पिस्ता कतरन ली, आधा बाउल हमने खाने वाला गोंद लिया है और दो चम्मच हमने यह सफेद तिल और दो चम्मच हमने खसखस ली है। अब कढ़ाई में हमने यह एक टेबल स्पून घी लिया है। घी को गरम करके इसमें गोंद को पहले हम तल करके निकाल देंगे। यह गोंद हमारा फ्राई हो गया है, हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। यह गोंद हमने प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा बारीक बारीक क्रश कर लेंगे। अब इसी घी में जिसमें हमने गोंद को तला था, उसी में ही हम ये सारे ड्राई नट्स रोस्ट कर देंगे। ड्राई नट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने खजूर को मिक्सी में दरदरा पीस के रखा था वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके खजूर के सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। खजूर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करेंगे। हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हमने जो यह गोंद को तल करके और कूट के रखा था, ये भी इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा ये हाथ में ले करके इसके गोल लड्डू बना देंगे। यह लड्डू हमारा बन गया है। अब हमने एक बाउल में थोड़ा नारियल का बुरादा लिया है, ये इसके ऊपर हम थोड़ा ये लपेट लेंगे और इसे पेपर कप में रख देंगे। इस तरीके से हम सारे लड्डू बना देंगे। ये सारे लड्डू हमारे बनकर के तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। सर्दियों में यह घर पे बना करके आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।